हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट प्लांट हार्मोन। तो वहां पे हमने पढ़ा था कि हाउ प्लांट कोऑर्डिनेट देयर एक्टिविटी। तो उसमें हमें दो पार्ट मिले हुए थे, पहला था हार्मोन सिस्टम और दूसरा था फाइटो हार्मोन। जो फाइटो हार्मोन्स होते हैं वे क्या होते हैं यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो फाइटो हार्मोन्स आर दोज हार्मोन्स विच इज बाउंड विथ केमिकल्स एंड हेल्प इन प्लांट कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी। तो यहां पे देखते हैं, प्लांट रिस्पॉन्ड द स्टिमुली विद द हेल्प ऑफ केमिकल एज अ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर और प्लांट हार्मोन। यहां पे प्लांट रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुली विद द हेल्प ऑफ देयर केमिकल्स, दैट केमिकल इज एक्ट एज अ रेगुलेटर ऑफ ग्रोथ। जो प्लांट में रेगुलेटर का काम करते हैं, ग्रोथ को रेगुलेट करते रहते हैं, ऐसे केमिकल्स को हम बोलते हैं प्लांट हार्मोन या ग्रोथ रेगुलेटर ऑफ प्लांट। अब इनके जो मेनली टाइप होते हैं, मेनली फाइव टाइप्स होते हैं। तो पहला जो टाइप होता है वो होता है ऑक्सिन। दिस इज अ क्लास ऑफ प्लांट विच इज बाउंड विथ केमिकल्स एंड हेल्प टू ग्रोथ, टू बेंडिंग, टू और ट्विस्टिंग फॉर द प्लांट। नाउ इट इज सिंथेसाइज एट द ऑक्सिन। क्या होता है ये हम देख रहे हैं। तो इट इज सिंथेसाइज एट शूट टिप एंड हेल्प इन बेंडिंग ऑफ अ प्लांट टुवर्ड लाइट। व्हेन लाइट कम्स फ्रॉम वन साइड ऑफ द प्लांट, ऑक्सिन डिफ्यूजेस टुवर्ड द सैडी साइड ऑफ शूट। दिस इज अ हायर कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन स्टिमुलेट द सेल्स टू ग्रो लॉन्गर ऑन द साइड ऑफ शूट विच इज अवे फ्रॉम द लाइट। दस प्लांट अपियर्स टुवर्ड द बेंड टुवर्ड लाइट। दैट मीन, कहने का इनका मीन से कि जो ऑक्सिन होता है वो सभी प्लांट्स में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। यहां एग्जांपल के माध्यम से देख लेते हैं। अगर ये हमारा प्लांट है, ये हो गया इसका रूट सिस्टम, तो जो ऑक्सिन है वो यहां प्रेजेंट होता है, ऐसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ये ऑक्सिन यहां प्रेजेंट है। अब ये हो गए लीव्स और दूसरा इस टाइप का है प्लांट। यहां पे तो हमारा जो ऑक्सिन है ये रूट साइड है, वो ऑक्सिन यहां से मैक्सिमाइज होकर के यहां पे टुवर्ड द लाइट साइड क्या होंगे, स्टेम के ग्रोथ के साइड में प्रेजेंट होते हैं। दैट मीन कि इस स्टेम के आगे का जो हिस्सा होगा यहां पे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी ताकि ये ग्रोथ आगे हो सके। द प्लांट अपियर्स टू बेंड टुवर्ड लाइट। क्वेश्चन ये भी बनता है कि व्हाट इज ऑक्सीजन एंड हाउ इट वर्क। तो हाउ इट वर्क में ये वर्क कैसे करता है, वेन लाइट कम फ्रॉम वन साइड, दैट मीन कि यहां से अगर लाइट आ रही है कम्स फ्रॉम वन साइड, ऑक्सिन डिफ्यूजेस टुवर्ड द सैडी साइड ऑफ सूट। सैडी साइड ऑफ सूट दैट मीन के रेस्ट ऑफ द प्लांट साइड विच इज रेगुलेट द हायर कंसेंट्रेशन ऑक्सिन स्टिमुलेट द सेल्स टू ग्रो लॉन्गर ऑन द साइड ऑफ सूट विच इज अवे फ्रॉम द लाइट। टू प्लांट अपियर टू बेंड टूवर्ड लाइट साइड, दैट मीन कि अगर वहां पे लाइट नहीं है, दूर है, तो क्या करता है ऑक्सीजन हेल्प करता है स्टेम को आगे की तरफ ग्रोथ करने के लिए, बढ़ाने के लिए। इसी को हम बोलते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहां पे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं और यहां पे ये आगे के साइड में मैक्सिमम होकर के प्रेजेंट होगा, जो आगे की तरफ क्या करेगा, पुल्स करेगा, स्टिमुलेट करेगा स्टेम को ग्रोथ करने के लिए। अब हमारा सेकंड है गिबेरेलिन। क्या होता है ये स्टेम के ग्रोथ करने, दोस टाइप ऑफ केमिकल विच इज हेल्प टू स्टेम ग्रोथ दैट इज कॉल्ड गिबेरेलिन। ऐसे केमिकल्स जो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं स्टेम को ग्रोथ होने में, यानी ये जो हिस्सा होगा इसको ग्रोथ होने के लिए जो हेल्प करने वाला केमिकल है उसको हम बोलते हैं, या केमिकल बोलिए या हार्मोन्स बोलिए, ऐसे हार्मोन्स को हम बोलते हैं गिबेरेलिन। अब थर्ड है हमारा साइटोकाइनिन। क्या होता है साइटोकाइनिन। हार्मोन्स आर दोज हार्मोन्स विच इज प्रमोट द सेल डिवीजन। साइटोकाइनिन क्या करता है, सेल डिवीजन। दैट मीन कि जब फल वगैरह लग जाते हैं वहां पे, तो एक टाइम आता है जब वो क्या होते हैं, टूटते हैं, तो साइटोकाइनिन के वजह से दिस इज प्रमोट टू सेल डिवीजन। इट अकर्स इन द हायर कंसेंट्रेशन इन अपियर
इन एरियाज ऑफ रेड रैपिड सेल डिवीजन सच एज इन फ्रूट एंड सीड। दैट मीन की फ्रूट के अंदर में जो सीड डेवलप होगा वो साइटोकाइनिन के वजह से क्या होता है, रेगुलेट होता है, एक तरीके से जनरेट होता है। जो साइटोकाइनिन हार्मोन होता है वो सेल डिवीजन में हमारे हेल्प करता है, लाइक एज फ्रूट एंड सीड। जो फ्रूट और सीड के रूप में हमें वहां पे मिलते हैं सेल डिवीजन। अब इथाइलिन है नेक्स्ट हमारा, तो इथाइलिन एज अ गैसियस परफॉर्म करता है, एज अ गैसियस प्रेजेंट होता है इथाइलिन। हमें मालूम है कि क्या होता है, बहुत ही रिएक्टिव नेचर का केमिकल है। ये क्या करता है, जब फ्रूट्स मेच्योर हो जाते हैं तो उनको एक गैसियस फॉर्म क्रिएट होकर के उन्हें पकाने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो इथाइलिन इट इज अ गैसियस हार्मोन्स विच इज हेल्प इन रिफाइनिंग ऑफ फ्रूट, जो क्या करता है फ्रूट को पकने में सहायक होता है। और यह गैसियस कंपाउंड होता है, प्रेजेंट होता है प्लांट में। अब होता है हमारा लास्ट जो पांचवा है हमारा एब्सिसियस एसिड जो होता है, ये क्या करता है, इनहिबिट करता है ग्रोथ को। इट्स अफेक्ट इंक्लूड विल्टिंग ऑफ लीफ। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए स्ट्रेस हार्मोन एज इट हेल्प टू ओवरकम स्ट्रेस कंडीशन। दैट मीन की जब मेच्योर हो जाती है लीफ या मेच्योर हो जाता है जब फ्रूट, तो एब्सिसियस एसिड के वजह से ही वो टूट करके क्या होता है, नीचे की तरफ गिरता है। तो ये क्या करता है, ग्रोथ को इनहिबिट करता है। साथ ही साथ क्या करता है, इफेक्ट इंक्लूडिंग विल्टिंग ऑफ लीफ, वो बता दिया मैंने आपको। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए स्ट्रेस हार्मोन, इसीलिए हम इसे स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। विच इज हेल्प टू ओवरकम स्ट्रेस कंडीशन, ऐसी स्थिति जो क्या होगी, स्ट्रेस की कंडीशन होगी, वहां पे जो हेल्प करने वाला केमिकल होगा या हेल्प करने वाला हार्मोन्स होगा, उसको हम बोलते हैं एब्सिसियस एसिड, जो प्लांट में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो यहां से हमारा प्लांट कोऑर्डिनेशन फिनिश होता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एनिमल हार्मोन्स की।